हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, एक और अपडेट लेके आप लोगों के सामने पेश हो गए जी, हाजिर हो गए हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई जो चेंजेस आए हैं, जो हमारे पास गाइस लेटेस्ट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं भाई प्रोसेसिंग टाइम में, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कैनेडा इमिग्रेशन ने भाई क्या कुछ चेंज किया है, आईएससीसी वालों ने क्या कुछ चेंज किया है, वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम भाई, स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम, विस्टर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम, या फिर पीआर की अगर हम बात करते हैं उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, क्या चेंज हुआ है, करंटली क्या चल रहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है गाइज अगेन। और अभी भाई काम से मैं फ्री हुआ था तो आई वॉज लाइक नहीं यार, पहला काम मैं यही कर लूँ, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ, आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को मैं अपडेट्स दे दूँ। और चलो भाई बात करते हैं जी। बात स्टार्ट होती है भाई स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा, स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा भाई। अच्छा खासा 7 से 8 हफ्ते चल रहे थे जी भाई। आज की डेट में ये 10 हफ्ते है जी। आज की डेट में स्टडी वीजा के लिए, स्टडी परमिट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो भाई किसी भी कंट्री से लाइक आउटसाइड कनाडा, तो आपको भाई कनाडा के स्टडी वीजा के लिए प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है जी 10 हफ्ते, मतलब 2.5 महीने ऑलमोस्ट, राइट। तो जी 10 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो जी आउटसाइड कनाडा, क्लियर है जी। अब भाई बात आती है जी विजिटर वीजा की। आपको पता है भाई बहुत सारे लोग विजिटर वीजा लेके आ रहे हैं जी कनाडा में। तो देखो जी, वैसे तो हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लेता हूं भाई, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो इन कंट्री से है जी। तो इंडिया वालों के लिए भाई ज्यादा इसमें कोई बुरी खबर नहीं है भाई, ठीक है, उतना ही है भाई। 28 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है जी आज की डेट में भी, 28 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है जी आज की डेट में भी। तो गाइस दिस इज गुड, ठीक है, तो दिस इज गुड। और अगर मैं भाई पाकिस्तान की बात करता हूं ना भाई, पाकिस्तान का तो इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया यार, बढ़ता 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 एक टाइम पे भाई 52 या 53 के आसपास रह गया था, राइट। करते 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 भाई दो दिन बढ़ गए, 4 दिन बढ़ गए, 6 दिन बढ़ गए, करते करते भाई 92 डेज है भाई आज की डेट में। अगर मैं अगर कोई पाकिस्तान से विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करता है भाई कनाडा के, तो जी प्रोसेसिंग टाइम है भाई 92 डेज का। जस्ट इमेजिन भाई 92 डेज का, तो विच इज रियली हाई फॉर श्योर। वो अलग बात है भाई, अगर पहले जैसे अगर आप मेरी वीडियो चेक करोगे भाई, 1.5-2 साल इतना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा था उस टाइम पे, उसके कंपैरेटिवली जो कुछ भी नहीं है। बट पॉइंट इज की भाई इतना कम होने के बाद अब बढ़ रहा है ना, तो एक भाई चिंता का विषय तो है ये, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सबसे जो मेन टॉपिक होता है, सबकी निगाहें रहती हैं भाई इस पे, वर्क परमिट पे। बहुत सारे लोग भाई अप्लाई करते हैं जी कनाडा के वर्क परमिट के लिए भाई, बहुत सारे। तो जी इंडिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है भाई, ये भी अनफॉर्चुनेटली भाई बढ़ता, क्योंकि भाई एक टाइम पे 8-9 हफ्ते ही था, राइट। अब देखो जी करते करते कहां पे पहुंच गई बात, 19 हफ्ते हो गए भाई करंट जो प्रोसेसिंग टाइम है भाई, 19 हफ्ते कर दिए इन्होंने। जस्ट इमेजिन 19 हफ्ते, ठीक है जी। वहीं पे भाई अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, 52 वीक्स भाई। अगर पाकिस्तान से आप वर्क वीजा के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो कनाडा के, तो जी प्रोसेसिंग टाइम है भाई 52 वीक्स। जस्ट इमेजिन इंडिया का भाई 19 वीक्स और पाकिस्तान का भाई 52 वीक्स। Just imagine. तो भाई ये तो इन्होंने अच्छा खासा भाई बढ़ा दिया। आई होप कि भैया जो बैकलॉग इतनी ज्यादा इनके पास पड़ी हुई है, जो इन्वेंट्री इनके पास इतनी ज्यादा पड़ी हुई है आईआरसीसी वालों के पास, वो क्लियर हो एज सून एज पॉसिबल। बट करंटली भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया स्टडी वीजा के लिए भी भाई 10 हफ्ते। जस्ट इमेजिन विजिटर वीजा, चलो इंडिया का फिर भी ठीक है भाई 28 डेज, लेकिन पाकिस्तान का भाई 92 डेज। वहीं पे वर्क परमिट की बात करता हूँ इंडिया के भाई, इंडिया से अगर अप्लाई करते हो 19 वीक्स, और पाकिस्तान से भाई 52 वीक्स भाई। जस्ट इमेजिन, तो कहीं ना कहीं भाई चीजें बढ़ती 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 जा रही हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, आपको सोचना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। बाकी नायब सिंह संगेर बैठा है जी, ये चैनल बैठा है आप लोगों को अपडेट देने के लिए भाई, अवेयर करने के लिए भाई। जो भी करना है सोच समझ के करो, ज्यादा पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है भाई,
पैसा भी लगाओगे, वेट भी करोगे, भाई कुछ सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो सोचो समझो आराम से भाई, जो भी डिसीजन लेना है अपना आराम से तसल्ली के साथ लो भाई, गलत डिसीजन मत लेना, इट्स अ मैटर ऑफ योर होल लाइफ, ठीक है जी। तो ये चीजें थी भाई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। हाँ, पीआर के लिए भाई कोई चेंजेस नहीं आए हैं, 5 महीने में ही भाई आपकी कैंडी एक्सपीरियंस क्लास की अगर जो फाइल है वो प्रोसेस हो रही है जी, और 6 महीने में भाई आपकी जो फेडरल स्किल्ड वर्क प्रोग्राम वाली फाइल है वो प्रोसेस हो रही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो उनमें आपको थोड़ा सा सुकून है, रिलीफ है, ठीक है जी। तो ये था भाई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। बस अभी घर के लिए भाई निकल रहा हूं, मैंने कहा जल्दी जल्दी भाई वीडियो बनाते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उनको बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी भाई। बाकी और अपडेट्स के साथ जल्दी आप लोगों के सामने पेश होंगे, हाजिर होंगे, हम बातें डिस्कस करते रहेंगे जी। आई विल सी नेक्स्ट टाइम, नैम सिंह संगेर दोबारा सामने आपके पेश होगा जी, विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन स्टे सेफ, अपना ध्यान रखना भाई, बाकी हंसो मुस्कुराओ एंड अपना ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।